सिक्स क्लास कैसे हैं आप साहब? ठीक ठाक है। अब हम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस की बुक खोल लें, चैप्टर नंबर 5 एटम्स मॉलिक्यूल मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के रिलेटेड। ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका SLOs मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इसमें SLOs बेसिकली किस क्राइटेरिया को कवर कर रहा है कि आप कॉमन लाइफ में से डिफरेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल लें और मिक्सचर के एग्जांपल्स लें और बताएं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो कंपाउंड्स में मैंने इसके आपके सामने 3 एग्जांपल्स डिफरेंट लिखी हैं। ये सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, घरों में यूज़ होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। उसके बाद आपकी बुक पे ऑक्सीजन की वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल गिवन है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम्बाइन करें तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन और दरमियान में ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कंपाउंड्स को हम ब्रेक करते जाएं बिल्कुल स्मॉलर पीसेस में तो क्या होता है कि ये सेपरेट नहीं होते बल्कि हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जिसका क्या मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट। इफ़ को अगर हम मजीद ब्रेक करते जाएं, इफ़ वी स्टार्ट ब्रेकिंग द कंपाउंड वी विल एंड अप द हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो क्या बन जाएंगे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? बेसिकली कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलें तो एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे कि 2 एलिमेंट्स कम्बाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब 2 एलिमेंट्स आपस में मिलें। स्टूडेंट्स, मैंने आपका ये आज कंपाउंड का जो टॉपिक है इसको क्लियर करवा दिया है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा और इनमें से MCQs भी फाइंड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट मिक्सचर जो है इसकी भी रीडिंग आपने करनी है कि मिक्सचर कौन से होते हैं जो एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ मिल के बन जाए और बिल्कुल भी उनके दरमियान में कोई तकनीक अप्लाई ना की गई हो, सिंपल प्रोसेस से बने हों। और दूसरा यह है कि कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट आउट भी किया जा सकता है किसी भी तकनीक को अप्लाई करके, सिंपल फिजिकल तकनीक्स को, हीटिंग को, फिल्ट्रेशन को, डिस्टिलेशन को, सब्लिमेशन को। ये 4 टॉपिक मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ाए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस के मिक्सचर कंपाउंड्स को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है कि जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स या सेम सब्सटेंस यूनिफॉर्म अपीयरेंस हो जिनकी और वो कंबाइन करें। जैसे कि आप शरबत को देखें, उसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं और सारे के सारे, ये आपके घर से कॉमन एग्जांपल ली गई है जो आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। हीटरोजीनियस में क्या है कि हम क्या करें, मिक्सचर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड्स बनाएँ और उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस क्रीम यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करें या फिर कोई और वेजिटेबल उसके अंदर डालने, तो ये क्या है हेटरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल। आपने ये चैप्टर नंबर 5 का डे नंबर 60 और 61 को अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी।